गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों ऐसा सी कि 90s के बीच मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का भी मैंने 90s बीच भी काम किया। कोई दो ढाई साल मैं काम लिबर्टी प्लाजा च किया, उदों नवा नवा बनिया सी। बहरहाल उन्होंने दिनों के सेठ हाबर फैमिली जिहड़ी सी लाहौर मूव कर गई सी, जिथे अजकल सदीक ट्रेड सेंटर है, बिल्कुल ऑपोजिट इन्होंने एक मेन बुलेवार्ड से दूजा दफ्तर बनाया। तो उत्थे जनाब बहिंदे सी, ते उत्थों डर के कराचियों आ गए सी लाहौर दे विच। ते कोई एपीसोड ऐसा होया कि मेरी मुलाकात दे बेटे हाफिज अयाज नाल भी, छोटा सी उम्र च, मैं उदों भी वड्डा ही सी। बहरहाल ड्यूरिंग वो मैं जानता नहीं सी, ड्यूरिंग खैर कोर्स ऑफ टॉक गपशप हुई, तो फिर मैं दसिया गया मैं तेरा रिश्तेदार भी किवें लगना तो किवें बनना। तो मैनू नवे नवे आए सी, मिसिज मलिक नाल काम कर रहे थे, तो उन्होंने डिफेंस ये वो खैर छोड़ो। तो मैनू कहिंदा अयाज शायद भाई लैवल में वड्डा सा, शायद भाई आप हमारे पास आ जाएं, मिलके काम करते हैं। अच्छा उस वे चुप कर गया, अंदरों की मेरे दिल दे विच गल चल रही सी। एवें हुंदा ना पैंच मिडिल क्लास लोग जिवें मैं सी, एवें किसी अमीर दोस्त होवे या कोई नाल वड्डा आदमी भी मिल जाए पैसे वाला, पैसे दे दी हवाले नाल भी, तो एवें बंदा अंदरों एक एटीट्यूड निकलता कि नहीं पैंच अमीर होएगा तो अपने घर होएगा। तो एग्जैक्टली यही फीलिंग सी, तो मैं रिफ्यूज़ कर देता नहीं, प्रॉपर्टी का दफ्तर लिबर्टी प्लाजा अल करीम इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रॉपर्टी नेटवर्क के नाँ तो बनाया, और अगर नहीं एवं आ गई कि नहीं यार असी इतने पैंच अमीर होंगे तो अपने घर होएगा, ऐसी कोई गल नहीं, मैं अपने बलबूते से राइज कराँगा। हालांकि बड़ी ज़बरदस्त ऑफर सी कि उन लोड़ सी बंदे दी कि यार मेरे ना कोई प्रॉपर्टी मेरे ना चले ना कोई मिसेज मलिक ना भी तो कर ही रहे सी, ते अगर वो हेल्प दी भी लोड़ सी मैं नाल हुंदा ते अज भाजी कित्थे गेम पहुँचदी। तो बंदा इसलिए कहिंदे ना कि कदी भी तुसी अपॉर्चुनिटी जिहड़ी है तुहाडे कोल आंदी है, और किसी स्याणे ने खूब कहा है कि नो अपॉर्चुनिटी इज एवर लॉस्ट, समवन टेक्स दोज यू मिस। तो मैं वो बड़ा सही टाइम से मिस कर गया, की हो जाता की ना होता, लेकिन एक वड्डी गेम विच पै के देख के करके, तो उन्हां दी वड्डी गेम आई सी। एक कमरे च बैठे जनाब बाइंग करदे पए ने, विचकार अपना कमरा है, और अगले कमरे च पता लगा जनाब सैलर भी बैठा होया, बेच भी दिता। लेकिन छोटी जहनीयत, घटिया सोच कि नहीं यार अमीर होएगा तो अपने घर होएगा, इन्हें भी काफ़ी कुछ जरा ना जिंदगी तंग किया। ये नहीं होना चाहिए, अगर तुहाडा कोई दोस्त यार कोई जनरल अमीर है तो उन्हें क्लेम करो, बजाय कोई बुलशिट पै जाओ अमीर होएगा कि अपने घर होएगा, पता नहीं आज बेमानी ना बने ने चेंज बने हैं चुंज बने हैं। आम इन प्रोसेस च ना जाओ, तुसी अपने मतलब में भी देख लो, अगर तुझे मैंने की फायदा हो सकता सी या की हो सकता है, तो तुसी अपने काम में ईमानदारी रखो, और लगे किसी दूजे के को इस वजह से ना खाइफ हो जाओ और नहीं अपने घर होएगा जो होएगा तो मैं ऐसी कोई गल नहीं की, इट्स ऑल बुलशिट। सो अपने इर्द गिर्द देखो जो थोड़े तो चंगा है उन रोल मॉडल बनाओ। और मेरी एक दफा जिंदगी मुलाकात हुई भी सी सेठ हाबर नाल, तो मैं उस वाले जी बीसी से आई सी, तो मैं कह सी जी मैं गया, मैं कह जी मैं सईदा दा मियाँ जी मैं सईदा दा किले दा पुत्तर हाँ, तो और उदो मैंने वेखते नाल ही कहना, तो प्यो ने कभी किसी ने कम नहीं किया, कोई जबान से उन्होंने मसला सी को आया होना, मेरी
ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਫੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੱਗਲਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖਾਲ ਗੱਲ ਗਈ, ਰੋਲਣ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਛੱਡ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੈਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਕੇ ਮਾਈ ਡੀਅਰ।